हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फूड की दीवानी में। आज हम मेरी एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है मिक्स वेज। लेकिन ये जो मिक्स वेज की रेसिपी है वो विथ अ ट्विस्ट है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। यहाँ पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है जिसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर दूँगी। हम अच्छे से इसे गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता। आप चाहें तो घी के बजाय बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लेकिन पर्सनली घी का फ्लेवर इस डिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने घी ऐड किया हुआ है। और 1 छोटी इलायची भी ऐड कर दें। अब यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए थे। प्याज को मैंने बिल्कुल ब्राउन फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। अब हम इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। इस पेस्ट से इस ग्रेवी में एक बहुत ही कैरमलाइज्ड स्वीट फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। जनरली जो मिक्स वेजिटेबल होती है उसमें ये नॉर्मल चॉप्ड प्याज यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ब्राउन अनियन पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। यही है इसका ट्विस्ट, इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर चला लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सब मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला भी ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, कोई भी मसाला इस जगह पर ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसमें फिर हम ऐड कर लेंगे 2 बड़े टमाटरों की मैंने प्यूरी कर ली है, वो प्यूरे इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो रेडीमेड टमाटो प्यूरी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या तो घर पे भी इसकी पेस्ट बनाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। यहाँ मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून शुगर भी ऐड किया हुआ है। शुगर इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन मुझे हल्का सा शुगर का फ्लेवर पसंद आता है, बैलेंस करता है जो भी ग्रेवी में टैंगीनेस होता है उसको। अब यहाँ पर एक बोल में मैंने खसखस, काजू एंड जो वाटरमेलन के बीज होते हैं उसको मैंने दूध में सोक कर लिया था फॉर अराउंड 1 आवर। अब इसकी हम पेस्ट बना देंगे एंड वो पेस्ट को भी हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ये बहुत ही एक रिच ग्रेवी बना रहे हैं हम। कभी कभार तो चलता है ऐसे ही आप रिच खाना घर पर बनाएं, बिल्कुल होटल जैसा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सारे मसाले और ग्रेवी को अच्छे से कुक होने देंगे। आप फ्लेम स्लो ही रखिए वरना ये सारा मसाला जो है नीचे चिपक जाता है। ढक्कन लगाकर हम कुक होने देंगे। यहाँ पर हम अपनी सब्जियों की प्रेपरेशन करेंगे। एक अलग पैन में मैंने यहाँ पर 1/2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है। हमने लाल मिर्च भी पहले ली हुई थी, इसीलिए आप ध्यान से हरी मिर्च यहाँ पर लें। मैंने यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्च ली है एंड इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब ये अच्छे से सॉटे हो जाएगी तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर को मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में डाइस कट किया हुआ है। इसमें हम ऐड कर देंगे बेबी कॉर्न एंड मशरूम। सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी फेवरेट सब्जियां ऐड की हुई है। आप चाहें तो इस सब्जी में पनीर भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने फ्लावर, मटर और बीन्स को पारबॉइल किया हुआ है गर्म पानी में। 10 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि ये हल्का सा कुक हो जाए एंड फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आपको इसे कुक करना है, सॉटे करना है फॉर 1 to 2 मिनट्स। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्की सी चीनी एंड थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ मैंने नमक भी ऐड किया हुआ था लेकिन मैं वो दिखाना भूल गई हूँ, आप इसीलिए स्लाइट 1 या 2 पिंच नमक भी इसमें ऐड कर दें। और इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ग्रेवी में भी अगेन कुक होंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बेस ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से ये ग्रेवी बना के फ्रीज़र में 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो इसमें फिर अपने पसंद के हिसाब से सब्जियाँ, पनीर, जो भी आपको पसंद है वो ऐड करके आप अपनी एक कोई डिश बना सकते हैं। अब हम इसमें ये सारी मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे।
ये एक ग्रेवी से आप बहुत बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। तो आप इसे एक एज अ बेस ग्रेवी स्टोर करके रख दीजिए फ्रीज़र में, एंड देन अपने पसंद के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कीजिए, पनीर, चीज़ या सब्जियां, एंड आपकी एक बहुत ही अलग डिलीशियस डिश रेडी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है इसमें। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी, आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करें एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों में हल्का सा कच्चापन है, वो हम अब इसे कुक करेंगे। हमें इसलिए पहले सब्जियां पारबॉयल ही करनी है, वरना अगर हम इसे फुली कुक करेंगे एंड जब ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये सारा सब मैश हो जाएगी सब्जियां इसमें। इसमें यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून के आसपास कसूरी मेथी, एंड दोबारा इसे अच्छे से हम चला लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना ब्यूटीफुल आया, क्योंकि हमने इसमें वो ब्राउन अनियन पेस्ट एंड कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। हमने पानी भी ऐड किया हुआ है, हमारी सब्जियों को हम परफेक्टली कुक होने देंगे। अब देखिए हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच क्रीम ऐड करेंगे, एंड अगेन इस पे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट बस इसे फाइनल कुक होने देंगे, ताकि जो सारी वेजिटेबल्स का फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी ज़्यादा डिलिशियस लग रही है। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जीज़। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, बहुत ही खाने में अमेजिंग होती है। आप इसे पूरी, राइस, जीरा राइस, पराठा, चपाती, नान, इसे कैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।